मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं संसार ग्रीन। आज की वीडियो एक फल के बारे में है जिसे भारत में कई नामों से जाना जाता है, जैसे शरीफा, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल और शुगर एप्पल। आप भी कोई और नाम जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे आप कौन सी भाषा में कहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। आपसे ही तो हमारा ज्ञान का भंडार बढ़ता है। कस्टर्ड एप्पल या सीताफल का वैज्ञानिक नाम एनोना एस्क्वामोसा है। जहाँ तक इनके वैरायटी की बात है, भारत में इनकी मुख्यतः तीन किस्में उगाई जाती हैं। रेड या पर्पल वैरायटी, इसमें काफ़ी सारे बीज होते हैं पर फलों का आकार बड़ा और स्वाद बहुत उम्दा होता है। वाइट ग्रीन वैरायटी, जो कि सबसे कॉमन वैरायटी है, इसमें आपको बालंगार, वाशिंगटन, ब्रिटिश गुआना जैसे कई सारे अलग अलग किस्में आपको मिल जाएंगी। यह मध्यम आकार का फल होता है, गुदा खुशबूदार और मीठा होता है, स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। आमतौर से पूरे भारत में यह किस्म ही उगाई जाती है। इसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलियन वैरायटीज़ भी इंडिया में मिल जाएगी, जिसकी फार्मिंग आजकल बहुत कॉमन है। वो आइलैंड जेम आदि नामों से मिलता है। पीले रंग का इसका छिलका होता है और गूदा इसमें भरपूर मात्रा में होता है। फलों का आकार भी बड़ा होता है। तो आज हम जानेंगे शरीफा या सीताफल को भारत में कहाँ और कैसे उगा सकते हैं, कितने सालों में इसमें फल आने लगेंगे, पानी कितनी देनी है, खाद कौन सी देनी है और बीमारी से इसके बचाव कैसे कर सकते हैं और या गमला में कैसे उगा सकते हैं, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत क्लाइमेट से करते हैं, यानी सीताफल को उगाने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए। ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट यानी कि गर्म और आर्द्र जलवायु सीताफल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। सूखा मौसम इनके लिए अच्छा है। भारत के बाहर इन्हें अमेरिका, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया में उगाया जाता है, जबकि भारत में महाराष्ट्र में इनका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात जैसे, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इनकी भरपूर खेती होती है। हिली एरियाज़ और माउंटेन स्लोप पर भी इनकी खेती बहुत अच्छी हो पाती है। सिर्फ फ्रॉस्ट वाला एरिया यानी जहाँ बर्फबारी पड़ती है, बर्फ गिरती है, उन जगहों पर इसकी खेती नहीं संभव है। बाद बाकी पूरे भारत में इसको उगाया जा सकता है, अच्छे से उगाना संभव है। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और जब हम कस्टर्ड एप्पल के फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो इसके लिए सैंडी लोमी सॉइल सबसे अच्छा होता है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि इसके जड़ों में वाटर लॉगिंग कभी भी नहीं होना चाहिए। वाटर लॉगिंग की वजह से आपके तैयार पौधे भी खराब हो जाएंगे। आप जब भी पौधा लगा रहे हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि टमाटर, आलू, बैंगन, शिमला मिर्च या अदरक के साथ इन पौधों को कभी ना लगाएं। डेंस फार्मिंग आज के समय की मांग है, और जब भी हम ऑर्चर्ड लगाते हैं तो नीचे की खाली जगह का उपयोग दूसरे सब्जियों या दूसरे पौधों को उगाने के लिए करते हैं। पर शरीफा की खेती जब आप कर रहे हैं तो इस छोटी सी बात का ख्याल आपको रखना बहुत ज़रूरी है। सीताफल को बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रेगुलर वाटरिंग होनी चाहिए, तो ड्रिप इरिगेशन इस मामले में अच्छा है। और जो रेनफॉल वाला एरिया होता है वहाँ पे तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, बरसात में खुद ही इनको इनके लिए पर्याप्त पानी हो जाता है, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा या बिहार जैसे राज्यों में। अब बात फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की, यानी इसमें फूल फल कब आते हैं। अप्रैल से मई के महीने तक इनमें फूलों का आना शुरू हो जाता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इनके फूल दूसरे पौधों की अपेक्षा बहुत अलग होते हैं, हटके होते हैं। फूलों का आकार लंबा होता है और तीन ही पंखुड़ियाँ इसमें होती हैं, जिनका दल काफ़ी मोटा होता है। ये फ्लैशी होते हैं, फ्लावर नॉर्मल फ्लावर से ये बिल्कुल अलग होते हैं। फूल लगभग एक इंच के आकार का होता है, और अगर आपने ऑर्चर्ड लगाया है या आपके यहाँ यह फूल हैं, आपने शरीफा का पौधा लगाया है, तो एक बार इन फूलों को चख कर देखिएगा। पहली बार आप महसूस करेंगे कि फूल में भी स्वाद होते हैं और वो ज़रा अलग होता है। हालांकि फल तो इसके अच्छे स्वादिष्ट होते ही हैं। इनके फल में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
आम तौर से अगस्त से दिसंबर के महीने तक इसके फल तैयार होते रहते हैं और इस पूरे दरमियान आप 4 से 5 बार फलों की तुड़ाई भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि लगातार फूलों का आना जारी रहता है, इसलिए फल भी कई किस्त में आप तोड़ पाएंगे, एक ही बार इसके फल नहीं मिलते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जब आप आखिरी फल ले रहे हैं, आखिरी बार के फल तुड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद शरीफा के पौधों की प्रूनिंग कर दी जाती है, यानी कि छटाई कर दी जाती है। ऐसा करने से अगले बार और भी ज़्यादा फल आते हैं और पौधे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, इससे जो फ्रूट होते हैं वो हमारी पहुँच में आते हैं, पहुँच में रहते हैं और अच्छे किस्म के फल आते हैं। यील्डिंग या उपज क्या होगी अगर इसकी बात करें तो 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर की उपज मिलना बहुत आम बात है। अगर आप डेंस फार्मिंग कर रहे हैं या हाई डेंसिटी में प्लांटेशन आपने किया है तो 25 टन भी प्रति हेक्टेयर फल का मिलना नामुमकिन नहीं है, बहुत इजीली ये हो सकता है। हालांकि ज़्यादा बातें क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं, आपके यहाँ की मिट्टी कैसी है, आबो हवा पे डिपेंड करता है, आपने क्या खाद पानी दिया है और किस तरीके से पौधे को आपने संरक्षित किया है, इस पर डिपेंड करता है। अगर ये कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित है तो 25 टन प्रति हेक्टेयर की फसल मिलना बहुत आसान है। सारी बातें हो गई हैं तो पौधा उगाना भी सीख लेते हैं। आप शरीफा या कस्टर्ड एप्पल को 2 तरीके से उगा सकते हैं, बीजों से या कटिंग से। बीज से उगाने के लिए आपको पके हुए फलों का बीज लेना पड़ेगा। बाजार से जो कस्टर्ड एप्पल या सुगर एप्पल आप खरीद कर खाने के लिए लाते हैं, उन्हीं के बीज निकाल कर आप उनसे पौधे को आसानी से उगा सकते हैं। यह आसान भी है क्योंकि प्लांट हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, पर फ्रूट्स तो आजकल हर जगह मिल जाते हैं और वैसे भी ये सीड आपके लिए वेस्ट हैं, तो क्यों ना इनसे पौधा उगा लिया जाए। आप बस छोटे आकार का गमला लीजिए, ताज़े बीजों से ही पौधे उगाने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह की मिट्टी में इसके बीज ग्रो कर जाते हैं, आसानी से उग जाते हैं। हाँ, ये और बात है कि इन बीजों को उगने में तकरीबन 4 हफ्ते तक का समय लग जाता है, क्योंकि बीज थोड़े सख्त होते हैं, बड़े आकार के लेकिन सख्त बीज होते हैं, तो इनको 4 हफ्ते तक का समय उगने में लगता है। बीजों को मिट्टी के नीचे तकरीबन 1 सेंटीमीटर नीचे दबाएं और हल्के नरम हाथों से मिट्टी से ढक दें बीजों को। और हाँ, इन्हें हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इसको हमें शेड में रखना है और वाटरिंग करनी है, नमी इसमें हमें बना कर रखना है तब तक जब तक कि बीजों से पौधे ना उगाएं। इसके बाद इन्हें सेमी शेड में रखेंगे, ऐसी जगह रखेंगे जहां दिन के कुछ घंटे धूप आए। पौधों का अंकुरण आप देख रहे हैं, जैसा कि 45 दिन के बाद अच्छे आकार के पौधे आ गए हैं, और लेकिन इनको लगाने के लिए रेडी होने में तकरीबन 2 महीने का टोटल टाइम लगता है, यानी 2 महीने में ये रेडी हो जाएंगे प्लांटेशन के लिए या दूसरी जगह लगाने के लिए। जब भी आप इन्हें गमले में लगाएं तो गमले का साइज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनसे फल लेना चाहते हैं तो कम से कम 20 इंच के गमले में आपको इन्हें लगाना पड़ेगा। हालांकि अगर आपको अच्छे ज़्यादा फल चाहिए तो इनको ज़मीन में ही लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे भी इनका पौधा बहुत बड़े आकार का नहीं होता है, 5 से 7 फुट ऊंचाई का आमतौर से इसका पौधा होता है। बीज से उगे पौधे में भी 3 से 4 साल में फल आने लगते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसे कटिंग से उगा लीजिए। कटिंग से उगे पौधे में दूसरे साल से ही फल आने लगते हैं। कुछ बेसिक सामान की आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए आपको इसके तने पर थोड़ा सा स्क्रैच करना होगा। ऊपर की जो लेयर होती है वो उसको पूरी तरह से हटा दिया जाता है। 2 तरीके से लेयरिंग की जाती है, एक जिसे गुट्टी बांधना बोलते हैं, जिसमें हम मिट्टी के संपर्क में स्टेम को ले आते हैं ताकि वहाँ से जड़ें निकल आएँ, ये वही तरीका है। इसमें हम स्टेम के अपर लेयर को निकाल देते हैं और फिर इसको हम कवर करते हैं मिट्टी से, और उस मिट्टी को स्टेबल बनाने के लिए या तो प्लास्टिक से या फिर कपड़े से बांध दिया जाता है, गीले कपड़े से, ताकि उसमें नमी बनी रहे और बरसात का मौसम ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा होता है। इस तरीके से बांधी गई गुट्टी आइडेंटिकल होती है, यानी कि जो पौधा तैयार होगा वो आपके पौधे प्लांट जो पेरेंट प्लांट है बिल्कुल वैसा ही होता है। जड़ें आने में 30 से 40 दिन का समय लगता है, यानी लगभग उतना ही टाइम इस पौधे को तैयार होने में लगता है, लेकिन 30 से 40 दिन में इसका पौधा ज़्यादा अच्छा तैयार होता है, जिसमें फल भी हो सकते हैं पहले से ही। आप इसको एयर लेयरिंग का एक और तरीका है, और वो है पानी के साथ एयर लेयरिंग करना।
आप जिस भी तरीके को ज़्यादा आसान समझते हैं आप उस तरीके से एयर लेयरिंग कर सकते हैं। पानी के साथ एयर लेयरिंग करने पर आपको गुट्टी को बार बार गीला नहीं करना पड़ता है, ये एक बेसिक बेनिफिट है जो आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको बिल्कुल वैसे ही पहले की ही तरह स्टेम से पत्तियों को हटाना होगा। एक तेज चाकू से मोटी स्टेम में कट लगानी होगी। कट इस तरह से लगाना है कि कट ये ब्रांच बिल्कुल अलग नहीं होनी चाहिए, लेकिन कट तकरीबन 2 इंच या 3 इंच गहरा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने वीडियो में आपको दिखाया है। इस तरीके से ये ब्रांच अलग हो जाएगी। फिर हम इस मेन ब्रांच से अटैच्ड है ये, अब इसे हम पानी में भीगा रहे इस तरह से इसमें पाउच हम लगाएंगे। प्लास्टिक की एक मजबूत थैली की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमने पहले से ही पानी रखा हुआ है और अब हम इसको इस तरीके से इस ब्रांच में लगा रहे हैं कि जिस स्टेम वाले हिस्से को हमने कट किया है वो हमेशा पानी के साथ गीली रहे, कुछ इस तरीके से। और इसे हम टेप से या धागे की मदद से हम इस तरीके से बांध देंगे। अब ये थैली यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 महीने तक बंधी रहेगी। इसमें नमी हमेशा बरकरार रहेगी, तने का यह हिस्सा गीला रहेगा और चूंकि मेन स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इसके ख़राब होने की संभावना ना के बराबर है। इसे हम चाहें तो किसी काले रंग के कपड़े या प्लास्टिक से ढक सकते हैं ताकि ये हवा, धूल या चिड़ियों की वजह से डैमेज ना हो जाए। 3 हफ्ते के बाद अगर आप परिणाम देखना चाहते हैं तो वो आपके सामने है। चूंकि ये कवर्ड था, प्लास्टिक के बैग में था, तो पानी ज़्यादा इवेपोरेट नहीं हुआ है, पर पानी में लगातार भीगे रहने की वजह से स्टेम्स में रूट्स अपीयर हो गई हैं, जैसे आप क्लियरली विजिबल हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये देखिए, अब समय आ गया है, चाहे तो इसे मेन ब्रांच से अलग करके इसको सीधे तौर पर गमले में लगाया जा सकता है और इनके लगने की पूरी संभावना है क्योंकि इसमें पहले से काफ़ी मजबूत जड़ें आ गई हुई हैं। अब थोड़ी बात खाद की भी कर लेते हैं। वैसे कस्टर्ड एप्पल या शरीफा में खाद का इस्तेमाल करना बहुत ही अनकॉमन है। जी हाँ, आमतौर से इसमें कोई तरह की खाद नहीं दी जाती है, सिर्फ फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद दी जाती है। फिर भी अगर आपका पौधा 5 साल या उससे ज़्यादा उम्र का है तो साल में 2 बार NPK खाद देना बहुत अच्छा रहता है, इससे फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। पर गाय की गोबर तो आप हर दूसरे महीने इसमें ज़रूर डालें, या अगर आपके पास बकरी की लिंडियाँ भी उपलब्ध हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, दोनों ही फ़ायदा करता है। अब बात कुछ कॉमन डिजीज़ की कर लेते हैं। कस्टर्ड एप्पल में मिली बग का लगना बहुत ही कॉमन है, आमतौर से यह बीमारी लग ही जाती है। तो इससे बचने के लिए आप नीम ऑयल, बेकिंग पाउडर और सिरका मिलाकर दवाई बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, निजात मिल जाएगी। इसकी वीडियो हमने पहले भी डाल रखी है। इसके अलावा भी कई तरह की बीमारियाँ कस्टर्ड एप्पल में लगती हैं, आप डिटेल से अगर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि कैसे उसे ट्रीट किया जा सकता है। वैसे अगर आप अपने ऑर्चर्ड को वेल ड्रेन रखेंगे जहां सनलाइट की पूरी अच्छी व्यवस्था हो और चिड़ियों को आने देंगे तो आमतौर से बीमारियां ना के बराबर ही लगेंगी। इस फल को सीताफल कहे जाने के पीछे एक बड़ी प्यारी सी कथा है। कथा कुछ इस प्रकार है कि माता सीता ने अपने जीवन का ज़्यादातर समय जंगल में व्यतीत किया था और वहाँ उन्हें ये फल सबसे ज़्यादा पसंद आते थे, इसीलिए इसका नाम सीताफल पड़ गया। यहाँ तक कि जब वह रावण की अशोक वाटिका में रह रही थी वहाँ भी उनके लिए ये फल उपलब्ध होते थे और इसीलिए इसका नाम सीताफल पड़ा है। वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हम कुछ बताना भूल गए हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। तब तक मैं अगली वीडियो के साथ जल्द आऊंगा, तब तक आप हमसे जुड़े रहें। बाय बाय।